नमस्ते। जब इजराइल के ऊपर हमास के आतंकियों ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया, तब एक भी इस्लामिक देश ने हमास की आलोचना नहीं की। अब जबकि इजरायली आर्मी हमास आतंकवादियों को चुन चुनकर ठिकाने लगा रही है, तो वही मुस्लिम देश तहमतों में गांठे लगा रहे हैं। बहरीन, चिली, कोलंबिया, जॉर्डन और बोलिविया जैसे देश हमास के समर्थन में इजराइल से राजनयिक संबंध तोड़ने लगे हैं। साथ ही बाकी देशों से भी अपील की जा रही है कि वह भी इजराइल से रिश्ते खत्म कर दे। जब इजराइल के इन देशों के साथ कोई रिश्ते नहीं थे, इजराइल तब भी तरक्की कर रहा था। आज ये देश एक तरफा फैसला ले रहे हैं, तो इससे इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि इजराइल को इनकी बौखलाहट की कोई फिक्र नहीं है। यूं भी इजराइल के हाथ ऐसा मौका आ गया है जिसके बाद इस इलाके का भूगोल बदलना तय है। गाजा पट्टी इजराइल के नक्शे में उस बदनुमा दाग की तरह है जिसकी तरफ से चलने वाली दूषित हवा हमेशा इजराइल को बीमार करती रही है। इस बार गाजा पट्टी पूरी तरह इजराइल के क्षेत्रफल का हिस्सा बनने वाली है। इजराइल पहले ही फिलिस्तीन को एक टापू में तब्दील कर चुका है और अब यह टापू एक छोटे से गांव में सिमट जाएगा। जिन्हें गाजा पट्टी में इजरायली खेल का नहीं पता है, उन्हें बता दें कि मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलम पर अपना दावा जताता है, वहीं इजराइल यरूशलम में अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है, जिस पर हमास का कब्जा है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। 2006 में हमास चुनाव जीतकर आया और तब से उसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि गाजा पट्टी के मुसलमानों ने ही हमास जैसे आतंकी गुट को वोट देकर उसे अपना सरताज बनाया है, यानी हमास से ज़्यादा दोषी तो गाजा के मुसलमान हैं। ऐसे में इजराइल उन्हें मुसलमान आतंकियों का सबसे बड़ा हमदर्द मानकर कार्रवाई कर रहा है। जहां भारत जैसा एक विशाल देश एक पिद्दी मुस्लिम देश पाकिस्तान को नहीं सुधार सका, वहीं इजराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और इस यहूदी देश ने इन देशों के तहमत ही नहीं फाड़े बल्कि उधेड़ कर रख दिए हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो इजराइल के सामने आकर गधैया नर्तक कर सके। 1967 में दूसरी बार सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। नतीजा यह हुआ कि वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गाजा पट्टी को इजराइल ने अपने अधिकार में ले लिया। यही नहीं, सीरिया, जॉर्डन की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। असली खेल तो यह हुआ कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में बचे मुसलमानों की तस्करी पर लात मारकर भगा दिया। उनके घर कब्जा लिए गए और दुकानें व्यापार नियंत्रण में ले लिए गए। यही नहीं, बड़ी संख्या में लोग हुरों की तलाश में भेजे गए। यह वो दौर था जब 3 लाख मुसलमान अपना घर बार छोड़कर भागे थे, लेकिन कोई भी माई का मुल्ला नहीं था जो इजराइल का बाल उखाड़ सके। हु तो उस वक्त भी आज की तरह खूब हुई थी, पर ऐसी मुल्लाई नौटंकी से सिवाय तस्रीब पिटवाने के कुछ हासिल नहीं होता है। अगर बात 1948 के युद्ध की करे तो यहूदियों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के 530 गांवों को तबाह किया था और तब भी यहूदी उनके घरों में जाकर रहने लगे थे। सही मायने में इजराइल ही कलयुग का असुर संहारक है, बाकी तो बेमतलब में पिछवाड़े पर मक्खन लगाकर जांगे दिखा रहे हैं। इस वक्त गाजा और वेस्ट बैंक में यहूदियों के 1948 और 1967 वाले खेल की पुनरावृत्ति हो रही है। इजरायली नागरिकों ने गुरुवार को वेस्ट बैंक के दीर सरप में रहने वाले मुसलमानों के घरों, कारों और दुकानों को जला दिया है, जिसके बाद लोग हू करके वहां से भाग रहे हैं। यहूदी हथियारों से लैस होकर आए हैं और मास्क लगाकर मुसलमानों की ठुकाई की जा रही है, जिसके बाद फिलिस्तीनी मुसलमानों में घर छोड़कर जाने की भग्गी मच गई है। यहूदी बाकी समुदायों की तरह इन लोगों पर रहम नहीं दिखाते हैं, वे इनकी करतूतें सदियों से भोगते आए हैं, इसलिए बदला लेने और अपना अस्तित्व बचाने की यहूदियों की अपनी पॉलिसी है, जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित कई देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। गाजा पट्टी में भी अब यहूदी लोग घुसना शुरू हो चुके हैं और जिन घरों से गाजी भागे हैं वहां पर यहूदी परिवार बसाने की तैयारी हो रही है। उत्तरी गाजा के करीब 500 मीटर इलाके के 30% घरों में यहूदी आ गए हैं।
और जैसे जैसे सेना मैदान साफ करती जा रही है, यहूदी परिवार यहाँ की इमारतों और घरों में सेटल होते जा रहे हैं। जहाँ तक यरूशलम की अलक्सा मस्जिद की बात है तो उसका अतीत भी कुछ कुछ भारत के बाबरी ढांचे से मेल खाता है। क्रूर मुसलमान शासकों ने अपने धर्म स्थल दूसरे समुदायों के पवित्र स्थलों को तोड़कर स्थापित किए हैं। यरूशलम की अलक्सा मस्जिद एकमात्र ऐसी जगह है जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी इसे अपना पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। बाइबल के मुताबिक यहूदियों के लिए इस जगह पर करीब 957 ईसा पूर्व में सोलोमन राजा ने दो मंदिर बनवाए थे। इस मंदिर को टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है। इन मंदिरों को बेबीलोन से लेकर रोमन एम्पायर ने अतीत में कई बार ध्वस्त किया था। टेम्पल माउंट अलक्सा मस्जिद और ईसाइयों का डोम ऑफ द रोम एक ही परिसर में स्थित है। यहूदी धर्म इस्लाम की उत्पत्ति से कई हजार साल पुराना है। उनका दावा है कि अतीत में मुसलमानों ने उनके धर्म स्थल को तोड़कर यहाँ अलक्सा मस्जिद खड़ी कर दी थी, क्योंकि इस मस्जिद को 8वीं सदी में बनाया गया था, जबकि टेम्पल माउंट उससे 1600 साल पहले बना हुआ है। अब इजराइल ने अलक्सा मस्जिद को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है और यहाँ से मुसलमानों को भगाने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। यानी इस युद्ध में यह विवाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिलिस्तीनी मुसलमानों की धड़कने इसलिए भी बढ़ी हुई है कि हाल में इजराइल सरकार ने बंदूक कानून में ढील देने की घोषणा की है। इस कानून के तहत अब किसी को भी 50 की जगह 100 गोलियां रखने की इजाजत होगी। यह हथियार विशेष रूप से उन यहूदियों के लिए हैं जो गाजा सीमा के पास या मिश्रित यहूदी मुसलमान आबादी वाले शहरों में रहते हैं। यानी इजराइल का गेम किसी के पल्ले पड़े या नहीं पड़े, पर जो मुसलमान यहूदियों के बीच रहते हैं वह सब कुछ समझ गए हैं और अब उन पतली गलियों की तलाश में हैं जहां से तहमत उठाकर भाग सके। यानी असुर संगार के आयोजन सिर्फ गाजा पट्टी में नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब उनका दायरा व्यापक हो गया है। जहां इजराइल आर्मी अपना काम कर रही है, वहीं यहूदी नागरिक इस धर्म युद्ध में पवित्र कार्यों को अंजाम दे रहे हैं ताकि दुनिया में शांति और विकास की संभावना बनी रहे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।